हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी सीरीज भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जाती है। जो हमारी सीरीज चल रही है टी वाई बी कॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग की, और सीरीज स्टार्ट हुई है मटेरियल कॉस्टिंग, हमारा चालू है। मटेरियल कॉस्टिंग में हमने कंप्लीट किया था पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में, सीधा प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कितने टाइप्स के प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपके डिवाइड हैं। उसमें से पहला पार्ट आपका था स्टॉक लेबल, स्टॉक लेबल का पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन के बाद एक क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है करा के दे दिया हूँ। आज बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, किसकी बातें होंगी, बातें होने वाली हैं क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, बहुत सिंपल सा ये टॉपिक बोलता है। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू एफ ओम, लास्ट 1 ईयर का डिटेल है, मिनिमम दिया है, मैक्सिमम दिया है, नॉर्मल दिया है, कंजम्पशन या फिर यूसेज दे के रखते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन में वैसे ही मैंने बताया था गिवन में आप पहले ये चीज़ लिख लिया करूँ, एंड उसके साथ और क्या चाहिए आपको, डिलीवरी पीरियड आपका दिया रहेगा दोनों का, मिनिमम का, मैक्सिमम का भी, एवरेज का भी, एंड रीऑर्डर क्वांटिटी दिया होगा, क्लियर है। चलो क्वेश्चन यहां लिखता हूं मैं, साइड कर दूं क्वेश्चन तो आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा, ठीक है, रीड भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले आपको एग्जाम में ध्यान रखना, पहले आप लिख लेना मेरे जैसे गिवन, ठीक है। गिवन में क्या लिखना है वो ध्यान से देखो, यहां लिखना है कंजम्पशन या फिर यूसेज, सेकंड आपको लिखना है टाइम, ठीक है, या फिर आपका होता है ड्यूरेशन, टाइम या ड्यूरेशन, ठीक है। और यहां पे आप लिखो मिनिमम, फिर से लिख दो मैक्सिमम, ये इसमें ध्यान रखना, इसमें तो कैसा भी आप लिख सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम कैसे भी लिख दो, एंड नेक्स्ट आपका होता है नॉर्मल, लास्ट वाले में नॉर्मल लिखा है, तो ध्यान रखना नॉर्मल एंड एवरेज का मतलब एक ही होता है, क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा वो आप लिख देना, नहीं तो दोनों लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना पहले गिवन का डिटेल आप लिख लिया करो, और इसके साथ में ध्यान रखना एक चीज़ हमेशा आपको दिया रहेगा, रीऑर्डर क्वांटिटी हमेशा दिया होता है कि भाई आप कितना क्वांटिटी ऑर्डर करते हो, ये तो क्वेश्चन में दिया होगा ना कितना ऑर्डर कर रहे हो आप। मिनिमम ध्यान रखना, मिनिमम यूसेस ऑफ ए कंपोनेंट 50 यूनिट्स, मिनिमम आपका दे के रखा है, ध्यान रखो मिनिमम यहाँ दे के रखा है कितना 50, क्वेश्चन देखते जाओ और डिटेल्स देखते जाओ, मिनिमम था 50 मैंने लिख दिया, मैक्सिमम 120 है, तो मैक्सिमम के कॉलम में आप लिख दो 120, कोई दिक्कत नहीं है सर। नॉर्मल देके रखा है 80 यूनिट्स, तो नॉर्मल के केस में मैंने लिख दिया 80। अब एक क्वेश्चन क्लियर करो आप, नॉर्मल का केस मैंने बताया था क्वेश्चन में दिया रह सकता है, अदरवाइज नहीं दिया होगा, दिया रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जो आपका गिवन में है फटक से कॉपी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिवन में है तो कॉपी कर दो, सर गिवन में नहीं है तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या करना उस केस में, आपको वर्किंग पार्ट रेडी करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना है किसके लिए, नॉर्मल या फिर एवरेज के लिए, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, कब, जब नहीं दिया होगा एवरेज या फिर नॉर्मल तब, क्लियर है। अब इससे ज़्यादा डिटेल तो नहीं बात करेंगे, फिर से बात करते हैं, दो या तो नॉर्मल या फिर एवरेज दिया होगा, नॉर्मल या फिर एवरेज का मतलब सेम होता है, पहले क्वेश्चन से कन्फ्यूजन में नहीं आना, नॉर्मल एवरेज का मतलब सेम है, क्लियर है सर। नॉर्मल एवरेज आपका डिटेल्स दिया हो सकता है या फिर नहीं दिया हो सकता है, दो केस बता रहा हूँ, दिया रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है ना, देख के कॉपी कर दो सर, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं दिया होगा तो वो भी मैंने बता दिया, भाई दोनों का प्लस किसका, दोनों का मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 का कॉन्सेप्ट चलेगा आंसर, अब डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे का डिटेल्स, आपका डिलीवरी पीरियड कितना दे के रखा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में मैं कोई टिक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रीड करता हूँ, 4 to 6 वीक पहले मिनिमम आता है, 4 वीक,
तो मिनिमम में ध्यान रखना टाइम दे के रखा है, 4 मैक्सिमम में दे के रखा है, 6 तो मैंने पूछा एवरेज या फिर नॉर्मल का टाइम दिया है क्या, तो बच्चे बोलेंगे सर नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं 4 + 6 / 2 तो आएगा 5, क्योंकि 4 + 6 हो गया 10, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो आ गया 5, 5 आ गया, बट ऐसा लिखना नहीं है, वर्किंग नोट उसका मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ऑर्डर आर प्लेस्ड फॉर 500 यूनिट्स एट ए टाइम, इट मीन्स री ऑर्डर क्वांटिटी दिया है 500 यूनिट्स। कोई डाउट है? देखो गिवन कितने सिंपल तरीके से मिल गया, और अगर गिवन आपको मिल गया तो आगे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत सिंपल सा बनेगा। गिवन मिल गया सर? बिल्कुल मिल गया। किसी बच्चे को डाउट गिवन में? नहीं सर। तो एक छोटा सा काम और कर ले, क्या कर ले, वर्किंग नोट बना ले, क्या कर ले, फुल मार्क्स लेके आना है तो वर्किंग नोट्स पे भी थोड़ी सी नज़र रखना पड़ेगा, वर्किंग नोट्स क्या आ रहा है वो ध्यान रखना पड़ेगा। वर्किंग नोट्स आया पहले किसका ध्यान रखना, एवरेज या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल टाइम, यही होगा। क्या फॉर्मूला ये 5 कैसे लेके आए सर, मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम, क्या फॉर्मूला बना, फॉर्मूला ध्यान रखो क्या फॉर्मूला आपने बनाया, तो आपने बोला मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम, ड्यूरेशन लिख दो, टाइम लिख दो, पीरियड लिख दो, जो लिखना आप वो लिख दो, कुछ भी चलेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आगे ध्यान रखो, मिनिमम टाइम कितना था, तो आप बोल रहे हो 4 था, मैक्सिमम कितना था 6 था, डिवाइड बाई 2 किया, इट मीन्स आ गया 5, कितना आ गया 5। किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक सर? बिल्कुल नहीं, डाउट कन्फ्यूजन नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है सर, कैलकुलेट मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल ऑफ ए कंपोनेंट। ध्यान रखना आपको एग्जाम में सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा जाता है, आपको एग्जाम में एवरेज भी पूछा जाता है, डेंजर लेवल भी पूछा जाता है, इसलिए हम लोग सब में एवरेज लेवल भी कैलकुलेट करेंगे, बट डेंजर नहीं करेंगे, क्योंकि डेंजर के लिए चाहिए सर इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब वो गिवन नहीं है तो डेंजर लेवल निकालना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब सर आगे का एवरेज कॉन्सेप्ट भी इस समय मैं आपको करा के दे रहा हूँ। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट मैं अगर आपसे पूछूँ क्लियर है, बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन आपको साथ में लेके चलूँगा। चलिए अब ध्यान रखूँ, यहाँ पे पहला क्या है, पहला मिनिमम या फिर मैक्सिमम निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन उसके पहले फॉर्मूला अगर याद होगा तो एक चीज पता होना चाहिए सर कि ये तो निकालना ही पड़ेगा, रीऑर्डर लेवल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना ना मिनिमम निकलेगा ना मैक्सिमम निकलेंगे, क्योंकि ये तो जरूरी है रीऑर्डर लेवल निकालना। क्यों जरूरी है, कल के वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज भी बात करेंगे। पहले निकाल लेते इसकी वैल्यू, रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला याद होना चाहिए सर। इसमें तो आपने बताया था दोनों मैक्सिमम ही आएंगे, दोनों मैक्सिमम आएंगे, क्या आएंगे, दोनों मैक्सिमम। दोनों मैक्सिमम मतलब क्या, मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम, मैक्सिमम यूसेस मल्टीप्लाई मैक्सिमम ड्यूरेशन या फिर टाइम। मैंने फिलहाल तो टाइम लिखा है तो टाइम की बात करता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम कितना दिया था क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान रखो, गिवन तो वहाँ लिखा हो बट साथ में इस क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम कितना था आपका 120, तो आप यहाँ पे मेंशन करो 120 मल्टीप्लाई। मैक्सिमम टाइम कितना था आपका, मैक्सिमम टाइम आप देखोगे 4 to 6 weeks, मतलब 6 weeks था, तो आप यहाँ पे लिखो 6 मल्टीप्लाई 720 यूनिट्स आ गया। पर वीक की कहानी है तो पर वीक लिख दिया। किसी बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन यहाँ तक सर? बिल्कुल डाउट कन्फ्यूजन नहीं है सर। कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है सर आपने रीऑर्डर लेबल क्यों निकाला है, क्योंकि रीऑर्डर लेबल तो क्वेश्चन में बोला नहीं था। अब उनका भी डाउट बच्चों का क्लियर करूँगा कि रीऑर्डर लेबल हमने क्यों निकाला है। क्लियर है? क्वेश्चन साथ में लेके चलेंगे, क्वेश्चन आपको साथ में रखना है, ठीक है? चलिए अब आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं। क्या डाउट आपका आ रहा है,
डाउट है सर कि मैक्सिमम लेवल पूछा था, डाउट यही है ना कि आपको मैक्सिमम लेवल पूछा था तो आपने वो क्यों निकाला, तो इसका आंसर मैं यही दे देता हूँ, मैक्सिमम लेवल पूछा था तो वो क्यों निकाला। चलिए आपको पूछो, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला याद है? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम का काम है आपके लिए। फॉर्मूला अगर याद होगा थोड़ा सा भी, तो फॉर्मूला था रीऑर्डर लेबल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस आप करते हो इसमें से। मैक्सिमम में जो माइनस होता है वो होता है सर, आपने बताया था मिनिमम माइनस होता है। क्या माइनस होता है? मैक्सिमम में माइनस होता है सर मिनिमम। मिनिमम क्या? मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई मिनिमम टाइम, ठीक है, यही होता है। वैल्यू पुट अप करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे आपको क्या जरूरत पड़ गई? रीऑर्डर लेबल की जरूरत पड़ गई है। तो रीऑर्डर लेबल आपको फॉर्मूले में पहले ही आया, इसका मतलब रीऑर्डर लेबल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रीऑर्डर लेबल क्यों हम लोग ने फाइंड आउट किया, आपको आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि रीऑर्डर लेबल सबसे पहले फॉर्मूले में आ जाता है, मैक्सिमम के भी मिनिमम के भी अभी आएगा। तो रीऑर्डर लेबल आपका कितना आया है सर? 720 आया है, इसमें प्लस कर दो। रीऑर्डर क्वांटिटी कहां पर है? रीऑर्डर क्वांटिटी कितना था? 500। तो आपने लिखा यहां पे 500, माइनस करना है ब्रैकेट में। मिनिमम आपका यूसेज कितना था? मिनिमम आपका है 50 यूनिट्स, तो आपने लिखा 50 मल्टीप्लाई। मिनिमम आपका टाइम कितना था? 4 था। मिनिमम टाइम कितना था आपका? 4 था, तो आपने लिखा 4। तो प्लस करो यहाँ पे 720 प्लस 500, तो प्लस कर दो 1220 माइनस 54 जा कितना होता है 20, मतलब 200 माइनस कर दो, तो 1020 यूनिट्स पर वीक, ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है? उन बच्चों को 100% समझ में आ रहा होगा जिनका फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या है? फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या निकालना है आपको? मैं अगर आपसे और पूछूं थर्ड, तो थर्ड निकालना है आपका मिनिमम, क्या है? मिनिमम लेबल, मिनिमम लेबल निकालना है। मिनिमम लेबल के लिए आपको फिर से फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला था सर रीऑर्डर लेबल, इसलिए तो रीऑर्डर लेबल पहले फाइंड आउट करते हैं। माइनस मैक्सिमम में आप यूज करते हो मिनिमम, मिनिमम में यूज करोगे उससे नीचे, मतलब नॉर्मल या फिर एवरेज। क्या यूज करोगे? नॉर्मल या फिर एवरेज। तो नॉर्मल क्या? सेम सर, नॉर्मल यूसेस मल्टीप्लाई नॉर्मल टाइम, यही तो यूज करोगे। चलिए रीऑर्डर लेबल आपका क्या है? रीऑर्डर लेबल आप निकाल चुके हो पहले 720, रीऑर्डर लेबल कितना आ चुका है आपका 720 माइनस नॉर्मल आपका कितना था क्वेश्चन में आप देख लो, नॉर्मल कितना 80 यूनिट्स, ध्यान रखो नॉर्मल था 80 यूनिट्स, मल्टीप्लाई नॉर्मल टाइम का वर्किंग मैं कर चुका हूँ 4 to 6 था, तो दोनों का हाफ किया था, कितना आया था आपका 5 आया था। इट मीन्स 720 माइनस 8 5 40, इट मीन्स 400। 720 में से आप माइनस कर दो 400, तो 320 यूनिट्स पर वीक, यही तो आया है। और अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन भी साथ में देखते चलो, क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम ही बोला था, मैक्सिमम एंड मिनिमम ही बोला था, बट मैं आपको एवरेज भी करा के दे देता हूँ, सॉरी एवरेज भी करा के दे देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया क्वेश्चन में एवरेज भी आता है, इसलिए मैं क्वेश्चन में बोला तो नहीं है बट मैं करा के दे रहा हूँ। क्या है एवरेज? स्टॉक लेवल या फिर एवरेज लेवल, ठीक है। एवरेज लेवल का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा हो गया। फॉर्मूला क्या है अगर मैं आपसे फॉर्मूले की बात करूँ? फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेबल, मिनिमम लेबल प्लस मैक्सिमम लेबल डिवाइड बाय 2। देखो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, मिनिमम लेबल प्लस मैक्सिमम लेबल डिवाइड बाय 2। मिनिमम लेबल आपने कितना फाइंड आउट किया? मिनिमम, मिनिमम देखो यहाँ पे ही दिख रहा है 320, तो मैंने लिख दिया 320 प्लस मैक्सिमम लेबल, ऊपर आ जाओ
मैक्सिमम की बात करो, ध्यान दो यहाँ पे 1020 लिख दो, 1020 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय कितना आपका, क्वेश्चन साथ में रखो, 1020 प्लस 320 आप करते हो तो कितना आ जाएगा, 1340 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय, जब आप 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 26 और 27 यूनिट्स, यही हो जाएगा आपका, क्लियर है, 6 7 0 670 यूनिट्स आपका आ गया, क्लियर है। तो इसमें हम लोग ने क्या क्या सीखा, ध्यान से देखो आप, क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे ने नोट डाउन कर लिया होगा क्या क्या सीखा, थोड़ा सा इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बताओ क्या क्या देखा है। ये आपका क्वेश्चन था, चलिए क्वेश्चन ये गिवन था, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं, क्वेश्चन गिवन, अब यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने साइज को छोटा कर दिया है, बट आपको याद होगा क्या कराया गया था, पहले आप गिवन लिखोगे एग्जाम में, ध्यान रखना इसी तरीके से लिखना, अगर आपको फुल मार्क्स कॉस्ट अकाउंटिंग में चाहिए तो पहले आप गिवन पार्ट लिख दिया करो, गिवन के बाद ध्यान रखना अगर वर्किंग नोट, वर्किंग नोट इस टॉपिक में मतलब स्टॉक लेवल की जब मैं बात करता हूँ, इसमें दो कॉन्सेप्ट आ सकता है, एवरेज टाइम को लेकर या फिर एवरेज कंजम्पशन को लेके, उसके बाद क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें बोल सकते हैं, देखो मिनिमम मैक्सिमम तो बोलेंगे ही बोलेंगे, रीऑर्डर लेवल एग्जाम में मेंशन होता है या फिर नहीं होता, नहीं होता है तो भी करना है, अगर होता है तो करना ही है वैसे भी, नहीं होता तो भी करना है, क्यों करना है, क्योंकि मैक्सिमम एंड मिनिमम में दोनों पहले वही यूज होता है, उसके बाद हमारा एवरेज स्टॉक लेवल दिया नहीं था बट फिर भी हमने फाइंड आउट करना सीखा क्योंकि आगे भी काम आने वाले हैं और एग्जाम में मोस्टली इतना छोटा सा हम नहीं पूछते, मिनिमम मैक्सिमम ही नहीं पूछते, एवरेज भी ऐड करते हैं एंड डेंजर लेवल भी ऐड करते हैं, डेंजर लेवल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद होगा तो इसीलिए हमने नहीं किया, क्योंकि उसके लिए कंपलसरी जो चाहिए फॉर्मूले में इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड जो कि क्वेश्चन में गिवन में नहीं था, इसलिए हम लोग ने डेंजर लेवल नहीं फाइंड आउट किया। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी चीज मेंशन करो, सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे की वीडियो इसी तरीके से स्टॉक लेवल का हर एक कॉन्सेप्ट हर एक वीडियो जितने टाइप्स के सम है थोड़ी स्पीड में लेके आइए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग और सम्स की बात करेंगे स्टॉक लेवल को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।